What's up guys, welcome back to my channel, this is JK Thakur। चलिए बात कर लेते हैं Netflix के ऊपर आ रही एक और ट्रेंडिंग मूवी की, जिसका नाम है मॉक्सी। मॉक्सी बहुत ही प्यारी मूवी है, जो कि लड़कियों के मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। कॉलेज में कुछ लड़कियां पढ़ती हैं और उनका शोषण होता है, अरेस्ट होता है लड़कों द्वारा, और फिर कहानी बढ़ती है आगे। वहीं पर एक लड़की जो कि सामने नहीं आना चाहती थी, थोड़ी डरती थी, उसने एक अभियान शुरू किया मैगजीन के द्वारा, जो कि कॉलेज बांटी जाती है मैगजीन, उनके द्वारा उसने लड़कियों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की, और वो अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब होती है कितनी नहीं, यही पूरी कहानी का सार है। देखिए कहानी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लिखने का वे और प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरीके से सभी लड़कियों ने बहुत ही बैलेंस एक्टिंग की है, वो एक्टिंग देखने लायक है। किसी की भी एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं थी या फिर बहुत कम नहीं आंकी जा सकती थी, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये कुछ लड़कियों की ही कहानी थी, और जिस तरीके से ये पूरी दुनिया की कहानी बनती जा रही है, ट्रेंडिंग में इंडिया में भी देखा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि ऐसे मुद्दे होते हैं, लोग इनके ऊपर बोलना नहीं चाहते हैं, या कॉलेजेस वगैरह वाले भी इनके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं, तो इस वजह से इस मूवी को ट्रेंडिंग लाया गया है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मूवी का डायरेक्शन बहुत ही प्यारा है और सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, म्यूज़िक भी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से राइटिंग इसकी की गई है और जिस तरीके से कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ा के या फिर ज़्यादा कुछ क्रिएटिव ना करते हुए जो लिमिट में क्रिएटिविटी दिखाई गई है, वो बहुत ही प्यारी लगती है, आंखों को सुकून देती है। एंड के कुछ सीन्स आपको इमोशंस भी कर सकते हैं, इमोशनली आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी रो दोगे। वाकई ही ये कहानी मुझे अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि सभी को, जितने भी आजकल के बच्चे हैं, सबको ये मूवी देखनी चाहिए। जो कॉलेज जाते हैं या फिर नहीं भी जाते कर चुके हैं उनको, या ऑफिस वगैरह में भी जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये कहानी सबके लिए है। देखिए एक बार, अप्रिशिएट कीजिए मूवी को, मूवी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही कम बजट में बनी है। जिस तरीके से प्रोफेसर और टीचर्स का रवैया भी दिखाया गया है, वो भी काबिल तारीफ़ है। एक्ट्रेस ने बहुत ही अच्छा काम किया, जितने भी आर्टिस्ट हैं इसमें सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर ने खूब अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है, और राइटर की तो मैं क्या तारीफ करूँ। एडिटिंग, म्यूज़िक, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही प्यारी है। इसको मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। एक बार जाकर नेटफ्लिक्स के ऊपर देखिए, हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मेरे राय के साथ सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।